हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम हास्य रस की परिभाषा और सबसे सरल उदाहरण और इसको स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, उस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, और कुछ ऐसे ट्रिक्स भी पढ़ेंगे या उस ट्रिक से आप किसी भी रस की परिभाषा को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं हास्य रस की, ठीक है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। तो यहाँ पे यार ट्रिक से समझोगे तो जीवन भर आप नहीं भूलोगे। आपको केवल वो केवल 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि आप किसी भी रस को ज्ञात कर सकते हो। उसका विभाव पता होना चाहिए, उसका अनुभव और संचारी भाव, ठीक है। किसी भी रस का आपको अगर स्थायी भाव है तो दुनिया के किसी भी रस को आप इजीली लिख सकते हो आसानी से, वो ट्रिक है इसमें, ठीक है। यहाँ पे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। आप इस तरह से किसी भी रस का परिभाषा, अगर आपको वीर रस का लिखना है तो उसका उत्साह होता है यहाँ पे केवल स्थायी हमारे हृदय में, यहाँ पे जो भाव होता है उत्साह, यहाँ पे उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहते हैं। किसी भी यार रस को आप लिख सकते हो केवल यहाँ पे उसका स्थायी भाव लगाकर, ठीक है। तो आप सभी रस के स्थायी भाव याद कर लो और आपको कोई रस को याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसके स्पष्टीकरण की बात देख लेते हैं, ठीक है, कि यानी स्पष्ट कैसे होगा कि यहाँ पे हास्य रस ही, ये सब चीज़ें करने से आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। स्पष्टीकरण लिख हेडिंग देने के बाद स्थायी भाव हास का क्या है, हास है आलंबन यानी विकृति रूप, यानी कि विकृति और रूप को देखकर आपको हंसी आ जाती है, ठीक है। उद्दीपन जो होता है उसका आकार होता है। अब देखो ये जो आलंबन और उद्दीपन है ये क्या है, ये विभाव के 2 रूप है, ठीक है। ये जो विभाव लिखा गया है इसी की ये 2 रूप है, आलंबन व उद्दीपन। तो आलंबन क्या है, विकृति रूप को देखकर आप जरूर हंस पड़ते हो या उस तरह के। उद्दीपन यानी उसके आकार प्रकृति या वो कैसा है। अनुभव आपको क्या है कि वेशभूषा उसकी कैसी है, ठीक है। अब संचारी भाव क्या है, वाणी यानी आपके मन में हंसी आ रही है उसके वाणी को भी सुनकर, और आपके संचारी भाव जो होता है वाणी हो जाएगा इसमें। अब इसके उदाहरण देख लेंगे हम, 2 उदाहरण देखेंगे, ठीक है। एक तो ये जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है इस क्षेत्र में, हाथी जैसे देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसे खोपड़ी, खरबूजे सा गाल, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हंसी आई होगी, ये हास्य रस है। और एक नेक्स्ट जो इससे भी ज़्यादा आसान है वह है मातह पिता उरिन भयनी के गुरु रहा सोच बढ़ जी के, ठीक है। तो ये भी एक इसका उदाहरण है कि मातह पिता उरिन भयनी के गुरु रहा सोच बढ़ जी के। तो यही हास्य रस की परिभाषा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी इस तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।